हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट हमने कल वाली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया था लाइव क्लास में। तो हमारे चैनल पे और भी क्लासेज जो चल रही हैं आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमारी 6, 7, 8 क्लास की साइंस कम्प्लीट हो चुकी है। 6, 7, 8 की हमने सोशल साइंस स्टार्ट की हुई है, 10th और 9th की हमारी साइंस चल रही है। तो टाइमिंग कुछ इस तरीके से 12 से 1 हमारी 6th क्लास की सोशल साइंस होती है, 2 से 3 हमारी 7th क्लास की सोशल साइंस होती है और 4 टू 5 हमारी 10th क्लास की साइंस जो है ये लाइव चल रही है। एंड 6 टू 7 हमारी 8th क्लास की सोशल साइंस चल रही है एंड 8 टू 9 जो कि लास्ट क्लास है दिन की हमारी, उसमें हम 9th क्लास की साइंस को डिस्कस करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स चेक कर सकते हैं। एंड जो भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज को करने में कोई भी डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात और ये कि जो भी हमारी इस वीडियो पे आए, जो भी चैनल पे आए, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जितने भी वीडियोज़ हमारी लाइव आ रही हैं या जो भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आए आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज देखेंगे हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। कल हमने देखा था या कल वाली क्लास में हमने देखा था कि एसेक्सुअल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। टाइप्स देखे थे बहुत सारे एंड सेक्सुअली पार्ट में हमने प्लांट वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था कि प्लांट के अंदर कैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम जानेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी चलिए तो हमने क्या देखा, बहुत सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे हमने, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में देखे और उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कैसे सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एनिमल्स में भी यही होता है और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स होते हैं होमो सेपियंस एंड ह्यूमन बींग होते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि हमारी बॉडी में दो तरीके से चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में दो तरीके के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट चेंजेस आप देखेंगे जैसे कि आपके जो पुराने दांत हैं वो गिर जाते हैं, फिर नए आते हैं ना। आपकी वी नोटिस दैट आर हाइट हैज़ इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज, और हम जैसे छोटी एज से हमारी हाइट बढ़ती रहती है फिर एक टाइम पे आके रुक जाती है। तो इस तरीके के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ऑल दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो हम इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है बॉडी में। दूसरे तरीके जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं टीनेज ग्रुप वाले जब हमारी 12 से या फिर 11 साल की उम्र से ये चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी वाली एज भी बोलते हैं। तो ये हमने क्लास 8 के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है प्यूबर्टी एज क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर। अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स, तो पूरे नए नए चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी वाली एज में पूरी बॉडी में, है ना। बॉडी इनलार्ज हो रही होती है और बहुत सारे अपीयरेंसेस नए नए चेंजेस आते हैं बॉडी में, है ना, और बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। ह्यूमन बॉडी के दोनों टाइप के जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बॉडीज में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं और हम सारे चेंज को प्यूबर्टी एज वाले चेंजेस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो फीमेल और मेल में कॉमन होते हैं, जो दोनों में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि शोल्डर्स के नीचे बाल, है ना, थाइस पे बाल आना और जो जहाँ पर ये बाल आ रहे हैं इन वाले पोर्शन का डार्क हो जाना, है ना, लेग्स के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, आर्म के ऊपर छोटे छोटे बाल दिखाई देना, फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, ठीक है, थीके? और स्किन कैसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है वुमेंस की भी, है ना, गर्ल्स की भी, बॉयज़ की भी। तो क्या हो जाता है, पिंपल्स आने लग जाते हैं। आगे देखते हैं, अब जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉडीज़ हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, वो अपनी बॉडी के प्रति जागरूक हो जाते हैं, है ना, अपने वेट पे ध्यान देने लग जाते हैं, दूसरे की बॉडी के तरफ भी ध्यान देने लगते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेक प्लेस दैट आर डिफरेंट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हम क्या देखेंगे, दूसरी तरफ और भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ की बॉडी में अलग होते हैं, गर्ल्स की बॉडी में अलग होते हैं। जैसे गर्ल्स की बॉडी में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है ना, और जो निप्पल वाला पोर्शन है वो डार्क हो जाता है ना, एंड
और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स के अंदर, ये हो गए गर्ल्स के अंदर चेंजेस। एंड अब बात आती है बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। बॉयज़ के अंदर ये चेंजेस आते हैं कि उनकी जो हेयर्स हैं, जो हेयर की ग्रोथ है वो थिक हो जाती है, फेस पे हेयर्स आ जाते हैं और वॉइस क्रैक हो जाती है, ठीक है। और जो उनका मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है पेनिस, और वो कैसा हो जाता है, वो इनलार्ज और इरेक्ट होने लग जाता है कभी डे में कभी नाइट में, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हमारे कॉमन चेंजेस हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में देखने को मिलते हैं, और ये हमारे अलग अलग चेंजेस जो बॉयज़ में अलग और गर्ल्स में अलग होते हैं। अब बात आती है क्या ये सारे चेंजेस एक दिन में हो जाते हैं, नहीं। कैसे जी? ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड मंथ ईयर्स, है ना। और एक टाइम पे जैसे होगा कि आपकी एज सेम है, आपके फ्रेंड की एज सेम है, तो आपकी बॉडी में चेंजेस होने लगे लेकिन आपकी फ्रेंड की बॉडी में चेंजेस नहीं हुए अभी। तो ऐसा नहीं होता कि जो एज आपकी है वो उनकी एज है तो सेम चेंजेस होंगे। एज के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते, बॉडी के हार्मोनल लेवल पर, बॉडी के ग्रोथ के, बॉडी के न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन जल्दी सिक्रीट हुए हों और जो आपके फ्रेंड हैं उनकी जो बॉडी है उसकी बॉडी में हार्मोन जल्दी से सिक्रीट ना हुए हो, ठीक है। इस वजह से किसी में ये चेंजेस जल्दी देखने को मिलते हैं, किसी में धीरे देखने को मिलते हैं। अब ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कम्प्लीट क्विकली, सारे चेंजेस एकदम से नहीं होते। एकदम से मतलब कि जैसे किसी के फेस पे बियर्ड आ रही है, किसी के फेस पे बाल आ रहे हैं, ना बियर्ड आ रही है, तो ऐसा नहीं कि पूरे फेस पे एक साथ बियर्ड आएगी, पूरे फेस पे एक साथ बियर्ड नहीं आएगी। ऐसा होगा कि कभी चीक्स पे आएंगे ना, फिर उसके बाद चिन पे आएगी, इस तरीके से आएगी, पूरे फेस पे एक साथ नहीं आएगी। तो ये चेंजेस हमें कैसे धीरे धीरे आते हैं। दीज चेंजेस शो डिफरेंट इन पीपल। अब इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम क्या एक पीपल से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंस देख सकते हैं ना, जैसे कि उसकी नोज का शेप, फिंगर्स का शेप, है ना, हेयर की ग्रोथ जो उसकी बॉडी पे हो रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। Why does the body show sexual maturation at this stage? ये जो एज हमारी चल रही है जिसमें हमें सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसको हम प्यूबर्टी वाली एज भी बोलते हैं, हमारी बॉडी इसमें क्या कर रही होती है, सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है, रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर हो रही होती है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। हमने क्या देखा था, जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, जो भी मल्टी सेलर बॉडीज हैं, उनकी बॉडी के अंदर इन स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टिश्यूज होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बींग के अंदर भी स्पेशल सेल्स होती है, जो देखा था हमने जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, हमारे जर्म सेल्स, ठीक है, उनको सेक्स सेल्स बोलते हैं, सेक्स गैमेट्स भी बोलते हैं। आगे बात आती है कि हमने ये जर्म सेल्स पढ़ी थी, कोई भी सेल उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो ये हमारे वो जर्म सेल्स होते हैं, तो इनके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे बात आती है, However, while the body of the individual organism is growing into its adult size, the resources of the body mainly direct achieve growing. While that happening, the maturity of the reproductive tissue is not like to be major priority. चलिए अब जो important है वो देखते हैं। Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, होता क्या, तो जो आपकी general body जो grow कर रही थी पहले इस age से, puberty वाली age से पहले, मतलब आपकी height जो increase हो रही थी वो अब बढ़ना बंद हो जाती है, and अब आपकी बॉडी में दूसरे तरीके के चेंजेस दिखने लग जाते हैं, जिन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट एज या फिर प्यूबर्टी एज वाले चेंजेस, जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और जो हमने ऊपर सारे चेंजेस देखे ना, ये चेंजेस शो होते हैं बॉडी में फिर। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो इंडिविजुअल के जर्म सेल्स इन्वॉल्व होंगे, ज्वाइन होंगे एक साथ और फिर फ्यूजन होगा और जायगॉट की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमने प्लांट्स के अंदर देखी थी। अब हुआ क्या था, हमने ये दो तरीके से होता है, ये दो तरीके से होता है, जैसे कि फर्स्ट फ्लावर में क्या होता, इन एक्सटर्नल, इन जर्म सेल्स का एक्सटर्नल रिलीज हो जाए, बाहर हो जाए। कैसे जी? आपके जो पोलन ग्रेन्स थे, जो मेल जर्म सेल्स थी, वो कहाँ थे, बाहर थे, एंड बाहर वो कहाँ आ गए, स्टिग्मा पे जैसे अटैच हुए, उसके बाद जाके नीचे जाके फ्यूजन हो गया ओवरी में जाके। अब एक तो ये टाइप हो गया, ठीक है। एक दूसरा टाइप क्या होता है कि इंटरनल ट्रांसफर हो, मतलब बॉडी को इस तरीके से ज्वाइन किया जाए कि उनके अंदर के जो जर्म सेल्स है वो इंटरनली ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे की बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके के हम ट्रांसफ़र हो रहा है गैमेट्स का एक बॉडी से दूसरे तरफ की बॉडी में या दूसरी बॉडी में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैटिंग, जिसमें इंटरकोर्स होता है दो बॉडी के बीच में, और इंटरनली जो आपके सेक्स सेल्स हैं, सेक्स
सेक्स सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, फिर दोनों की मैटिंग होती है, दोनों गैमेट्स की, दोनों जर्म सेल्स की मैटिंग होती है और फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, जायगॉट की फॉर्मेशन होती है। चलिए आगे देखते हैं। देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिकेबल बाय द अदर इंडिविजुअल। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच अ न्यू हेयर ग्रोथ पार्टनर सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs या sexual act. तो होता क्या है कि दोनों बॉडी के अंदर जिन बॉडी के अंदर मैटिंग हो रही है, इंटरकोर्स हो रहा है, उन बॉडी के अंदर उन बॉडी के जर्म सेल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले देखेंगे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है पेनिस, तो पेनिस क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है ना, कैपेबल हो जाए कि वो क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, है ना, इंटरकोर्स कर सके, तो वो इरेक्ट हो जाए। तो ये हो गया आपका पेनिस, जो भी मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या हो गया है, मैच्योर हो गया। अब बात आती है ह्यूमन फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी कैसे मैच्योर होगी, फीमेल बॉडी को हमारे इस तरीके से बनाया गया है कि फीमेल बॉडी के अंदर कोई भी जो बेबी होगा वो रहेगा एंड उसको पूरे 9 मंथ्स तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा मदर की बॉडी में से, एंड उसके बाद क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग होगी। तो इन दोनों कामों के लिए कोई भी अगर फीमेल बॉडी मैच्योर हो जाती है तो इसमें हम बोलेंगे कि आपकी कोई भी फीमेल मैच्योर हो चुकी है रिप्रोड्यूस करने के लिए। और जो ये सारे चेंजेस अगर आपको किसी भी मेल की बॉडी में आ जाते हैं तो इसका मतलब कि वो भी कैपेबल हो गया रिप्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहले देखेंगे डायग्राम के थ्रू। ये आपका डायग्राम दिया गया है, ये फर्स्ट देखते हैं, ये है आपका स्क्रॉटम। ये क्या है, स्क्रॉटम, इसके अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, जो मेल जर्म सेल है जिसे हम एग स्पर्म बोलते हैं, वो यहाँ से प्रोड्यूस होगा, सिक्रीट होगा, और यहाँ से हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट होगा, वो हम आगे जानेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से मेल स्पर्म जो है, मेल जर्म सेल जो है वो सिक्रीट हुई, और ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे वास डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। अब ये इस तरीके से यहाँ पर स्पर्म आ गया है, ये है यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर है ये आपका। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन होता है, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से इस ट्यूब में एक और ट्यूब ऐड हो जाएगी जो कि होगी यूरिनरी ब्लैडर की, यहाँ से यूरिन आएगा। अब उससे पहले हम जानेंगे तीन वेसिकल्स आपको बता रखे हैं, तीन ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये है कॉपर्स ग्लैंड, ये है आपका कॉपर्स ग्लैंड। चलिए अब ये क्या करते हैं, ग्लैंड क्या करते हैं, यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है ना उसको थोड़ा सा फ्लूइड कर देंगे, थोड़ा सा फ्लूइड सिक्रीट कर देंगे इसमें, और क्या करेंगे, स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल सके, स्पर्म जिंदा रह सके, उसके लिए उसको खाना भी तो चाहिए, तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए दोनों एक ही कॉमन पैसेज हैं, दोनों एक ही कॉमन पैसेज से बाहर आते हैं, बॉडी से बाहर आते हैं। तो ये पूरा पोर्शन हो गया पेनिस, एंड पेनिस के अंदर ये वाला जो पोर्शन है जिसमें से आपके ये दोनों चीज़ें सिक्रीट आउट होंगी उसको बोलेंगे यूरिथ्रा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे बुक में क्या लिखा है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड द अदर पोर्शन दैट डिलीवर जर्म सेल्स टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हम क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पोर्शन है, एक क्या है, एक पोर्शन ये है कि जो जर्म सेल्स को सिक्रीट करेगा, और दूसरा पोर्शन ये है कि जो जर्म सेल्स को अदर पोर्शन, जो दूसरा पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन जो जर्म सेल्स को सिक्रीट करेगा, दूसरा पोर्शन जो उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। दो टाइप हमने पढ़ लिए, दो पार्ट हमने पढ़ लिए इसको, है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। हमने क्या देखा कि जर्म सेल्स कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में बनेंगे। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हम क्या देखेंगे कि ये हमेशा ये वाला जो पोर्शन है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, आपके बॉडी के बाहर होता है। क्यों जी, क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपकी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये बॉडी से अलग होता है, ठीक है। तो बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर दैन द बॉडी, ओके। आगे है, वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। हम देखेंगे जो आपका टेस्टिस है वो एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, एक टेस्टोस्टेरोन और एक, तो हमने क्या देखा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस का क्या वर्क होता है, तो आप एक बताएंगे कि वो स्पर्म सेल मतलब जर्म सेल सिक्रीट कर रहे हैं, और दूसरा आप क्या बताएंगे कि वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे बात आती है, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द पेयर। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करें, ये टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो आपके प्यूबर्टी वाले जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। द स्पर्म्स फॉर्मड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। हमने क्या देखा, स्पर्म कहाँ से जाएगा, वास डिफरेंस से होके जाएगा और फिर बाद में एक और ट्यूब उसमें जाके अटैच हो जाएगी, वो कि यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से यूरिन आएगा। द यूरिथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज। अब यूरिथ्रा क्या थी, वो ट्यूब थी जिसमें आपका यूरिन और स्पर्म्स एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से बाहर, ठीक है। अब वहाँ से दोनों चीज़ आएंगी। अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक द पोस्टेट एंड द, अब यहाँ पर हमने तीन ग्लैंड पढ़े थे, यहाँ पर हमने तीन ग्लैंड पढ़े थे, वो क्या कर रहे थे दैट द स्पर्म्स आर नाउ फ्लूड। उन्होंने क्या करा था, स्पर्म्स को फ्लूड बनाया था, फ्लूडिटी थी ताकि वो क्या करें, ईजिली ट्रांसफर हो सके दूसरी बॉडी में। और दूसरी चीज़ क्या करी थी, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराया था, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे स्पर्म के बारे में बताया गया कि स्पर्म एक छोटा सा टाइनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जाइंट एक मटेरियल होता है, एक लॉन्ग टेल होती है जिसको मूव करने में हेल्प करती है। अब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक क्लास के चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है फीमेल जो जर्म सेल है एग और मेल जो जर्म सेल है स्पर्म, उसके बारे में, तो आप वहाँ जाके जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हम फिर से डायग्राम से देखेंगे। जैसे कि आपके टेस्टिस थी, वहाँ से क्या जर्म सेल सिक्रीट हो रहा था, स्पर्म सिक्रीट हो रहा था, उसी तरीके से फीमेल में ओवरीज होती है जहाँ से आपका जो फीमेल जर्म सेल है वो सिक्रीट होगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कोई भी जब लड़की जन्म लेती है, कोई भी बच्ची जब बर्थ होता है उसका, तो उसकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं होते, वो इमैच्योर स्टेज पर होते हैं। जब एज आते हैं प्यूबर्टी वाली, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये एग्स मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं और हर मंथ एक एग मैच्योर होकर बॉडी से बाहर आ गए, ठीक है। चाहे वो इधर वाली ओवरी से है, चाहे वो इधर वाली ओवरी से है, एक ही आएगा। अब बात आएगी नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब की। अब वो बाहर आके कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, जैसे यहाँ पे वास डिफरेंस था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर होगी मैटिंग। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो वाला पार्ट बताइए फीमेल ऑर्गन का, या वो वाला पार्ट बताइए जहाँ पर मैटिंग होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, जहाँ पर मेल और फीमेल जर्म सेल्स का फ्यूजन होता है, तो आप क्या बताएंगे, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कैसे जी, यहाँ से आएंगे स्पर्म्स, यहाँ से आएगा आपका एग, यहाँ पर फ्यूजन होगा तो जायगॉट की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, जायगॉट की फॉर्मेशन होगी। जायगॉट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद सेल डिवाइड करते 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 एम्ब्रियो में वो डेवलप हो जाएगा, वो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, तो एम्ब्रियो उसको कहा जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, हर मंथ जैसे ये एग सिक्रीट होता है, हर मंथ जैसे एक एग प्रोड्यूस होता है, तो आपका ये जो ये वाला पोर्शन है, यूट्रस वाला पोर्शन है, ये अपने आप को तैयार कर लेता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को इतना तैयार कर लूँ कि यहाँ पर अगर कोई फ्यूजन होके कोई एग यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाए, तो जो बच्चा बढ़ता है, उसके बाद जो बच्चा बढ़ेगा वो यहीं पे बढ़ेगा। अब उसको क्या चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रिशन भी चाहिए, बच्चे को यहाँ पे न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड होता है जो उस बेबी को उस वक्त जो वो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ताकि वो आगे डिवाइड हो जाए उसकी सेल और आगे वो फीटस से फिर बेबी बन जाए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे यूट्रस वाला पार्ट, तो यूट्रस वाले पार्ट का ये काम होता है, हर महीने ये अपने आप को मैच्योर करेगा, हर महीने अपने आप को तैयार करता है। अगर ऐसा कभी होता है कि आपका ये जो एग है, अगर आपके फीमेल ऑर्गन का ये एग है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता, अगर फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, तो ये तो हर महीने तैयार कर रहा है अपने आप को, तो क्या होगा, ये जो थिक लाइनिंग हुई है, ये लाइनिंग जो थिक हुई है, जो थोड़ी सी थिक हुई है लाइनिंग, ये ब्रेक होकर निकल जाएगी, ये ब्रेक होकर ब्लड के रूप में निकल जाएगी। कहाँ से, सर्विक्स और वजाइना से, और यही वो पोर्शन है जहाँ से आपका स्पर्म एंटर करेगा बॉडी में, स्पर्म एंटर करेगा फीमेल ऑर्गन में, ठीक है। तो इस जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब कोई एग को फ्यूजन नहीं हो पाता, तो जब आपका ये जो एग है, जब आपका ये जो ब्लड के रूप में जो एग है और ये जो यूट्रस की लाइनें जो बाहर आ रही थी, उस वाली स्टेज को बोलते हैं मैंचुरेशन, उस वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, मैंचुरेशन। और ये मैंचुरेशन हर महीने होती है, अप्रॉक्स 28 से 30 डेज की साइकिल पे हर मंथ ये होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये था, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। द फीमेल जर्म सेल्स कौन सी थी, एग्स थी, ठीक है, कहाँ से निकल रहे, ओवरी से। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, और यहाँ से हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है, कौन सा, अब फीमेल हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर लड़की, कोई भी लड़की का जब जन्म होता है, जब वो पैदा होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ एग इमैच्योर उसकी बॉडी में होते हैं उस वक्त, लेकिन जब वो प्यूबर्टी एज में आते हैं तब वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। हर महीने एक एग क्या होता है, सिक्रीट होगा ओवरीज से मैच्योर होने के बाद। द एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी, अब वो ओवरी वॉम्ब, ओवरी या फिर वॉम्ब बोलेंगे उसको, वॉम्ब मतलब बच्चेदानी, ठीक है, उसमें आएगा,
कहाँ से, कौन से स्ट्रक्चर से, कहाँ से पास होके आएगा, फेलोपियन ट्यूब से होके आएगा वो, ठीक है। द टू ओविडक्ट्स यूनिट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो ये आपकी ओविडक्ट है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। बैग लाइक स्ट्रक्चर क्यों, यहाँ पे अगर बच्चा पैदा होगा बाद में जब यहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगे तो यहाँ पे बच्चा वो रहेगा, तो इसलिए बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये। आगे देखते हैं क्या होगा। द स्पर्म्स एंटर थ्रू वजाइना, वजाइना से जब इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा, स्पर्म्स एंटर करेंगे, ट्रैवल करेंगे कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब में, है ना, फेलोपियन ट्यूब में। फिर क्या होगा, द फर्टिलाइज एग जो कि है जायगॉट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। अब क्या हुआ, फ्यूजन हो गया है, अब क्या हुआ, फ्यूजन हो गया है। फ्यूजन के बाद जायगॉट की फॉर्मेशन हो गई है, सेल अभी भी डिवाइड कर रही है, तो उन्होंने क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया, क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन होगा, एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर। अब क्या होगा, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड लाइनिंग द यूट्रस, यूट्रस की जो लाइनिंग होगी वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और वहाँ पे कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा, वहाँ पे वो कंटिन्यू डेवलप करता रहेगा, अपनी सेल्स को डिवाइड करता रहेगा, उसके बाद फीटस बन जाएगा वो। उसके बाद क्या होगा, फीटस, और फीटस से फिर बेबी। चलिए आगे देखते हैं। तो मदर की बॉडी, मदर की बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन होती है, इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो डेवलपमेंट कर सके किसी एक, मदर की बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो क्या कर सके, अपनी बॉडी में एक बच्चे का डेवलपमेंट कर सके, अपनी बॉडी में बच्चे का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो यूट्रस क्या करता है, एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो भी मैच्योर एग आ रहा है उसको क्या कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ग्रो कर सके ना। द लाइनिंग थिक हो जाती है, उस वक्त क्या होता है, लाइनिंग थिक हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड की सप्लाई हो जाती है, क्यों, ताकि नरिश कर सके एम्ब्रियो को, ठीक है। वो ब्लड क्या करेगा, नरिश करेगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा ना ब्लड के अंदर। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड, एम्ब्रियो को कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन, मदर के ब्लड से। और वो कौन सा पैसेज होगा, ये देखिए, ये है मदर की बॉडी, ठीक है, और ये है फीटस, ये है फीटस, ये रहा, ठीक है। तो होगा क्या, इसके बीच में एक प्लेसेंटा होगा, क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा से क्या होगा, मदर का जो ब्लड है, मदर के ब्लड में जो भी न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो बॉडी में जाएगी, फीटस की बॉडी में जाएगी, फीटस की बॉडी में जाएगी। और फीटस क्या देगा, फीटस मदर को देगा CO2 और जो भी वो अपनी बॉडी से अनवांटेड मटेरियल करेगा ना, डिफ्यूज करेगा, मतलब रिड्यूस करेगा, जैसे कि यूरिन, तो वो मदर के ब्लड में आ जाएगा और मदर के ब्लड किडनी के थ्रू फिर वो सारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो क्या होता है, आगे देखते हैं, प्लेसेंटा के बारे में हमने पढ़ा। इट कंटेन्स विलाए, आप क्या देखेंगे, जो ये मदर का जहाँ जिस पोर्शन में फिटस है, जिस मदर वॉर्म में फिटस है, उस साइड ना विलाए होते हैं, उस साइड विलाए होते हैं, जिसकी वजह से ये विलाए वाले टिश्यूज हैं क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे इन चीज़ों का, ठीक है। ऑन द मदर साइड द आर द ब्लड स्पेसेस, मम्मी के साइड क्या होंगे, मदर के साइड यहाँ पे ब्लड स्पेसेस होंगे, जिसकी वजह से ये विलाए के थ्रू, ये प्लासेंटे का थ्रू क्या, फीटस तक न्यूट्रिशन जाएगा। दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यहाँ मदर से फीटस तक आएगी। और द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट प्रोडक्ट, अब क्या होगा, जो बच्चा बढ़ रहा है, जो फीटस जो बढ़ रहा है, उसका भी जो वेस्ट सब्सटेंस होगा वो मदर के ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर, वो भी ट्रांसफर होता है प्लासेंटा के थ्रू। तो हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। अब बात आती है द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ, पूरा 9 मंथ लगते हैं किसी बॉडी में, किसी फीटस की पूरी बॉडी को बेबी बनने में, मदर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के बाद, मसल्स के अंदर, तो बच्चा बॉर्न होता है तब। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगी, ये देखते हैं क्या होता है। सिंस ओवरी ने क्या करा था, एक एग हर महीने रिलीज किया था, जिसके बाद यूट्रस ने अपने आप को हमेशा वो प्रिपेयर करेगी, हर महीने वो प्रिपेयर करेगी फर्टिलाइज एग आए और उसमें इम्प्लांट हो जाए, वो अपने आप को थिक बनाएगी हर महीने और स्पॉन्जी बनाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, अगर नरिशमेंट सॉरी अब क्या होता है, अगर फर्टिलाइज एग नहीं हो पाता तो क्या होगा, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, अब ये लाइनिंग ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, अब क्या होगा, ये जो लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाएगी और वजाइना से बाहर आ जाएगी, वजाइना से ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगी, ठीक है, ब्लड के रूप में और म्यूकस के रूप में। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये साइकिल हर 28 डेज में आती है ना, और ये साइकिल कितने दिन तक चलती है हर महीने, 2 से 8 दिन तक। तो हम यहाँ पर 3 चीज़ देखेंगे क्या जी, एक है मेनार्क, एक है मेंस्ट्रुएशन, एक है मेनोपॉज।
ये सारी चीज़ें हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके वो चैप्टर चेक कर सकते हैं। चलिए, मेनार्क होगा जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर, उस स्टेज को बोलते हैं मेनार्क स्टेज। उस स्टेज को क्या बोलते हैं? मेनार्क स्टेज। जब वो पहली बार जब किसी फीमेल बॉडी में ये मेंस्ट्रुएशन होती है तो उस स्टेज को बोलते हैं मेनार्क। मेनोपॉज होती है जब ये मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी के अंदर होना ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वाली साइकिल। तो ये कब होता है? 40 की एज में, या किसी की बॉडी में 45 की एज में, या 50 की एज में, ठीक है। अब बात आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैचुरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस वाइल द जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। अब हमारी क्या हो रही है कि बॉडी है सेक्शुअल मैचुरेशन के लिए, बॉडी क्या अपने आप को मैच्योर कर रही है ना, ये देखा था हमने अभी तक। सम डिग्री ऑफ सेक्शुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन, अब इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपकी आपका माइंड अगर इंटरकोर्स के लिए तैयार है, या आपका माइंड अगर तैयार है कि हम अपनी बॉडी में बच्चे को रख सकते हैं, बच्चे को कैरी कर सकते हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अगर माइंड तैयार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी भी तैयार है। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए, किसी भी मदर की बॉडी में कितने सारे चेंजेस होंगे। पूरा 9 मंथ तक एक बेबी को क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करवानी है, एंड 9 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग होगी, तो उस चीज़ के लिए भी पूरी बॉडी को तैयार होना ज़रूरी होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स की तरफ से, है ना, फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है कि शादी कर लो, है ना, बच्चे प्लान कर लो। तो इस वक्त बात यहाँ आ जाती है डिफ़िकल्ट सोचने वाली कि करें क्या, मतलब शादी कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए, दिमाग तैयार है, बॉडी तैयार है या नहीं है। अगर बॉडी तैयार नहीं होती है और बच्चा प्लान कर लिया जाता है तो फिर क्या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कभी कभी, ठीक है। अब क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है ना कि बच्चे ज़्यादा नहीं करने, है ना, तो इस वक्त चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। अब हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में, मतलब जब इंटरकोर्स होता है तो उस वक्त जो दो बॉडीज़ होती हैं वो इतनी पास होती हैं जिसकी वजह से कोई भी बीमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है आराम से, ठीक है। तो वो किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया कौन सा एक है, ये दो एग्जांपल दिए गए हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कोई भी सेक्सुअली बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई भी डिसीज़ ट्रांसफ़र होगी। एंड वायरल इन्फेक्शन भी होगा, वायरल इन्फेक्शन से कौन सी डिसीज़ बताइए? HIV और एड्स। तो 9th क्लास के चैप्टर्स भी आप देखते रहिएगा, क्लास 9th चालू है हमारी, 8 से 9 उनका टाइमिंग है क्लास 9 की, जो क्लास 9th की हमारी साइंस चल रही है, ठीक है। अब होता क्या है, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीज़? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन ये जो बीमारियों को जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्या हम इसको रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, तो हम वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे। चलिए, therefore many ways have been devised to avoid pregnancy. तो अगर क्या होता है कि किसी को प्रेगनेंट नहीं होना एंड इंटरकोर्स हो रहा है बीच में, किसी भी दो बॉडी के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है और प्रेगनेंट नहीं हो रहा, हमेशा क्या होता है कि जब भी इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है, प्रेगनेंसी अकर हो जाती है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं करनी है, किसी को कोई तैयार नहीं है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स होते हैं जिनके थ्रू ऐसी प्रेगनेंसी को रोका जाता है, या फिर ऐसी जो बीमारी फैल रही है, जो ट्रांसमिट हो जाती है, उनको रोका जा सकता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिकल बैरियर, जिसमें कि फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे कॉन्डम्स का यूज़ करना फीमेल सेक्स ऑर्गन में और मेल सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। चलिए, तो हमने मैकेनिकल बैरियर में, अगर आपसे पूछे मैकेनिकल बैरियर की आपको डेफिनेशन बतानी है, तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि जो दो जर्म सेल्स हैं वो मिल नहीं पाते, ठीक है। तो मिल नहीं पाएंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, तो फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमने पढ़ा ये वाला मेथड, सेकेंड वाला होगा
कि आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से जर्म सेल्स क्रिएट हो रही है, देखिए जिसकी वजह से जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ पिल्स ले ली जाए, उनको रोकने के लिए, उन हार्मोन्स को रोकने के लिए कुछ पिल्स बनाई जाती हैं, पिल्स ले ली जाए, तो एक ही मैथड ये हो गया पिल्स के थ्रू। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बट इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्यों, कि अब ये देखिए कोई भी एक प्रोसेस है जो नेचुरली चल रहा है, या फिर इन्वायरमेंट में भी कोई प्रोसेस है जो नेचुरल चल रहा है, अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो बहुत डिजास्टर उसके हमें इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, उसी तरीके से बॉडी पे भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड आप पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉपर टी। तो होता क्या है कॉपर टी में, कि ये वाला जो पोर्शन है, जो फेलोपियन ट्यूब वाला पोर्शन है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि एग ना आ पाए। एग नहीं आएंगे तो स्पर्म से मैटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस सर्जरी के थ्रू ये किया जाता है, चलिए, इससे भी प्रेगनेंसी अक्कर नहीं होती है। और एक मेथड ये होता है कि जो फीमेल, जो मेल का वास डिफरेंस है, जो मेल का वास डिफरेंस वाला पार्ट है और जो फीमेल का फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, उसको सर्जरी के थ्रू क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, जिसकी वजह से एग और स्पर्म रिलीज नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे तो मैटिंग नहीं होगी, मैटिंग नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चाहिए, अब ये सर्जरी भी ना कभी कभी इन्फेक्शन कॉज कर देती है, अगर सर्जरी अच्छे से ना हुई हो तो। पर क्या होता है, आजकल लोग बाग ना सर्जरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा कैसे, कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उसको हटाने के लिए तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि सर्जरी के थ्रू लोग बाग क्या करते हैं, ये जान के कि पेरेंटल सेक्स डिटरमिनेशन करके, पेरेंटल सेक्स डिटरमिनेशन ये होता है कि जब फीमेल बॉडी के अंदर अभी फिटस है, तो फिटस का जान लेंगे कि बेबी बॉय होने वाला है कि बेबी गर्ल होने वाली है, तो बच्चा पैदा होने से पहले उसकी सर्जरी करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना फीमेल्स का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है, सेक्स रेशियो बिल्कुल कम होता जा रहा है सोसाइटी में। आप देखेंगे किसी सोसाइटी में, पर्टिकुलर सोसाइटी में बॉयज़ बहुत ज़्यादा है ना और गर्ल्स बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें हमें इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, और पॉपुलेशन मैनेज कैसे रहती है, पॉपुलेशन मैनेज कैसे रहती है। अब बर्थ होता रहेगा तो पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ जानी चाहिए, तो होता क्या है, एक तरफ से बर्थ होता रहता है और एक तरफ से डेथ भी होती रहती है, तो इस तरीके से मैनेज होता रहता है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो, अब क्या होता है जैसे जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिक्रीज हो जाएगा, गरीबी बढ़ेगी और जो रिसोर्सेज होंगे वो कम हो जाएंगे, लोग बाग यूज़ करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किया जाए, पॉपुलेशन को भी मैनेज किया जाए। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसको इनमें पॉपुलेशन को मैनेज करने में भी यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस की, डिस्कस कर लेते हैं। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। और पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर करे थे, फिर उसके बाद आपका जायगोट की फॉर्मेशन होता है। दोनों डिफरेंस है तो आप इनके दोनों प्रोसेस बता देंगे। अब आपको सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन बताना है, क्या किया था इन्होंने, क्या था कि जो स्पर्म था उसको फ्लूडिटी प्रोवाइड की थी ताकि ईजिली ट्रांसमिट हो जाए दूसरी बॉडी में, एंड सेकेंड काम क्या किया था, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस दिखाई देने को मिलते हैं प्यूबर्टी एज में। तो आप क्या देखेंगे, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी ना। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट, एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है मदर बॉडी से, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में क्या होता है, मदर का जो ब्लड होता है वो ट्रैवल करता है बॉडी तक, फिटस तक, और ब्लड के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा और ऑक्सीजन होगी। चलिए अब यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉपर टी है क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को रोक सकती है, तो ऐसा तो नहीं है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तब रोके जा सकते हैं जब इंटरकोर्स ना हो। अब इंटरकोर्स हो रहा है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ है, वायरस है, कोई बैक्टीरिया, वो दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाएगा। अगर कॉपर टी किस लिए यूज़ हो रही है, फिर कॉपर टी यूज़ हो रही थी ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी यूज़ किया था, ना कि डिसीज़ को रोकने के लिए। तो ये है आपके चैप्टर की समरी, जो आपको एक क्विक रिव्यू देगी आपके पूरे चैप्टर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बडिंग हो रही थी वो कौन सा था, किस में हो रहा था, अमीबा भी नहीं हो रहा था, बाइनरी हो रहा था। अब देखेंगे प्लाज्मोडियम में कैसा था, बाइनरी, इसमें भी बाइनरी, तो ये था ईस्ट। इसमें कैसे, जैसे हमने देखा था कि ऐसे
एक बड़ा सा बबल बन गया था, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स थे, बहुत सारे स्पोर्स थे। जब ये पूरा बबल भर जाएगा स्पोर्स से तो ये फट जाएगा, फट जाएगा तो सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और ऐसे इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, और जहाँ उनको सही सूटेबल कंडीशन मिल गई थी वहाँ पर वो आगे स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, आगे फैल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नहीं है। तो ओवरी है, सॉरी, हाँ, तो ओवरी, यूट्रस, वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस फीमेल पार्ट नहीं होता, वो होता है मेल पार्ट, ठीक है। एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर क्या थे, पोलन ग्रेन्स थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एडवांटेज बताने हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने क्या देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आती है, दो इंडिविजुअल का साथ में, दो इंडिविजुअल के जो साथ में गैमेट्स हैं वो आते हैं, फ्यूजन होता है, तो हमें क्या नए नए बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ए सेक्सुअल में इतनी ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, और जो आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगी ए सेक्सुअल में, है ना, लेकिन सेक्सुअल में क्या थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, वेरिएशन होगा। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शंस बताना आपको टेस्टिस में। तो टेस्टिस के क्या फंक्शन थे, एक तो वो हार्मोन सिक्रीट करेगा, दूसरा गैमेट जर्म सेल। मेंस्ट्रुएशन बता देना, मेंस्ट्रुएशन का क्या प्रोसेस है, क्या होता है, और मीनोपोज और मेनार्क भी बता देना, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे अगर ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा तो। रो और लेबल डायग्राम द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो आपको वो डायग्राम बनाना है जिसके अंदर पूरा फ्लावर बनाया हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के, चार मेथड्स पढ़े हैं आपको, वो बता देने हैं यहाँ पर। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के अंदर किस तरीके से मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, तो कल हमने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन, आई होप सो कि इसमें कोई डाउट ना रहे आपका, बट होता है तो आप जरूर पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी ऐसे आएगी कि जैसे कि रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, दो तरीके की स्पीसीज की एक साथ करेक्टर मिक्स होकर किसी नए ऑफस्प्रिंग, किसी नए बच्चे में आते हैं, तो इससे क्या वेरिएशन पैदा होगा, वेरिएशन पैदा होगा तो फिर वो आगे तक, वो लॉन्ग लाइफ तक सर्वाइव कर पाएगी आगे वाली स्पीसीज, है ना। और अगर ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन आए तो आप इसमें बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल दे देंगे जो हमने कल पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिक मैथड, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिक मैथड्स को अपनाना चाहिए, कि एक तो ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ है वो भी कंट्रोल में रहे, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, है ना। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म है। हमारी जो भी ये 10th क्लास की वीडियो है, जो भी हमारी 10th क्लास साइंस चल रही है, इसके बाकी जो प्रीवियस चैप्टर हैं वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड और इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि हमारी जो डेली लाइव क्लास होती है 10th क्लास की साइंस की डेली लाइव क्लास होती है 4 to 5 उसका टाइम होता है, डेली लाइव क्लास हो रही है, हम डेली लाइव में, लाइव क्लास में अपना चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो कल हम दोबारा मिलेंगे 10th क्लास के लिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ 4 to 5 वाली टाइमिंग में, तो ज़रूर आइएगा एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल, एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। 6, 7, 8 सारी साइंस कंप्लीट हो चुकी हैं, अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड 6, 7 और 8 की अब सोशल साइंस हमारे चैनल पे एनसीईआरटी से चल रही है, 9th और 10th की हमारी साइंस अभी कंटिन्यू है, तो आप चेक कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे, एंड थैंक यू।